क्वेश्चन नंबर सेकंड, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि हमें बिना कैलकुलेशन किए इन नंबर्स में से फाइंड करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए हम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो 1, 4, 5, 6, 9 और इवन जीरोस उनकी यूनिट डिजिट होती हैं, तो वो सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। और इसके अलावा जो भी नंबर होते हैं वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं। सो हमारा फर्स्ट पार्ट है 153। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी यूनिट डिजिट है वो क्या है, और इन सब में आप देख सकते हैं किसी के भी लास्ट में 3 नहीं आ रहा है। सो 153 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, द यूनिट डिजिट इज 3, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। पार्ट 257। देखिए इसमें भी हमारी यूनिट डिजिट क्या है, 7, और हमारे परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमेशा यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 1, 4, 5, 6, 9 और इवन नंबर 0। सो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, द यूनिट डिजिट इज सेवन, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। पार्ट 3, 408। तो यहां पे हमारी यूनिट डिजिट क्या है, 8, सो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, द यूनिट डिजिट इज 8, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 1, 4, 5, 6, 9 और इवन में जीरोस, और इसके लास्ट में क्या है, 8। फोर्थ पार्ट इज 441। देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1, और 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हेंस द यूनिट डिजिट इज 1, सो इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 1 है, और मैंने आपको बताया जिनकी भी यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 और इवन में जीरोस होगी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसकी यूनिट डिजिट 1 है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।